हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आगामी 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम आज भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित संभावित प्रश्नों की सूची लेकर उपस्थित हैं। इन प्रश्नों की सूची तैयार करने में हमने बीपीएससी में जो पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों की प्रकृति को एनालिसिस किया है। इससे पहले हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंधित 12 प्रश्न अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हमने आंसर का फॉर्मेट भी डिस्कस किया है। आप चाहें तो उस वीडियो को इसी चैनल पर देख सकते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 अद्यतन संशोधन 2020 के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करते हुए बिहार के औद्योगिक विकास के समक्ष आने वाली चुनौतियों की चर्चा करें। फ्लैट क्वेश्चन है, जिसमें आपको इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2016 के जो फीचर्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, उसे आपको बताना है। इसके बाद उसके समक्ष जो चैलेंजेज है उसे बताना है। हम इसके फीचर्स को ब्रीफ में इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो डॉक्यूमेंट है उससे देख लेते हैं। तो भूमिका में आप लिख सकते हैं कि बिहार को राज्य के तुलनात्मक लाभ तथा एक संतुलित क्षेत्रीय एवं स्थायी विकास की प्राप्ति के लिए नियोजन को अवसरों को अधिकाधिक करके अत्यधिक प्राथमिकता प्रदान प्राप्त निवेश के लक्ष्य के रूप में स्थापित करने के लिए बिहार सरकार बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 लेकर आई है, जिससे राज्य में निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इस नीति के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें आईटी समर्थित सेवाएं और ESDM प्रक्षेप, खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेप तथा कपड़ा पोशाक चमड़ा प्रक्षेप शामिल हैं। अब इन तीनों क्षेत्रों को हम विस्तार से देखते हैं कि इन क्षेत्रों में किन किन चीज़ों पर निवेश करने की योजना इस नीति में बनाई गई है। राज्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के संवर्धन को प्रेरित करना, शहरी और ग्रामीण विकास के बीच डिजिटल विभाजन को कम करना, आईटी और आईटी आधारित सेवाओं एवं संबद्ध उद्योगों के लिए अगले निवेश लक्ष्य के रूप में बिहार को विकसित करना, राज्य में प्रौद्योगिकी समर्थित सुधारों के साथ अच्छे प्रशासन को लागू करना। इसके बाद निवेश के अवसर देखें तो आईटी उत्पाद, सॉफ्टवेयर एवं सेवाएं, कॉल सेंटर, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, डिजिटल कंटेंट विकास, इस तरह से डेटा सेंटर, बिग डेटा एनालिसिस, PC, गेमिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी सूचना है, उसे देख लेते हैं, फिर हम आज 10 प्रश्नों को विस्तार से करेंगे। UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम 2020-21 को ध्यान में रखते हुए अन अकेडमी आपके लिए स्पेशल क्लास कार्निवल लेकर उपस्थित है, जिसमें 100 से अधिक लाइव क्लासेज आप 31 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक देख सकते हैं। इस प्रोग्राम में इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल पेपर की स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल फॉर ऑल सेशन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा और उसे रजिस्टर कर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या कमेंट सेक्शन में पिन किए गए कमेंट को क्लिक करके इन सारे वीडियोज का बिल्कुल निःशुल्क रूप में लाभ उठा सकते हैं। तो अब चलिए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर खाद्य प्रसंस्करण की बात की जाए तो मकई प्रसंस्करण, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण, उसमें भी आप लीची प्रसंस्करण, इन चीज़ों को देख सकते हैं। इसके बाद पोल्ट्री तथा फिश प्रसंस्करण, तो आप देखेंगे कि इस पॉलिसी में जितनी भी चीज़ें दी गई हैं उसे विस्तार से इस डॉक्यूमेंट में बताया गया है, जिसे आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप चुनौतियों में क्या देंगे, तो चुनौतियों में देंगे कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसका बहुत अच्छा नहीं होना, यानी सुशासन की कमी, दूसरा भारत जो बिहार की भौगोलिक स्थिति है वो समुद्र के किनारे ना होकर एक लैंडलॉक की स्थिति में है, जिसके कारण उस तरीके के निवेश बिहार में नहीं आ पा रहे हैं जिसकी उम्मीद इस नीति में की गई है।
दूसरा प्रश्न है कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था में आई गिरावट को संभालने में आत्मनिर्भर भारत अभियान किस हद तक कारगर साबित हो सकता है, बिहार के विशेष संदर्भ में चर्चा कीजिए या विश्लेषण कीजिए। तो पहले तो आप आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताएंगे कि इस अभियान की शुरुआत 12 मई 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, जिसमें 20 लाख करोड़ पैकेज की घोषणा की गई। इसके बाद आप बताएंगे कि इस पैकेज में मुख्यतः 5 पिलर्स पर ध्यान दिया गया है, अर्थव्यवस्था और संरचनात्मक विकास, इसके बाद डेमोग्राफी। इसके अलावा इसमें जो सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है वो किसानों की आय में वृद्धि करना, जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी स्थिति को किस तरीके से अच्छा किया जाए, जो फेरी वाले जो रोज़गार चलाते हैं उनके लिए भी इस जो स्कीम है उसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। अब सवाल उठता है कि ये बिहार के विशेष संदर्भ में चर्चा करनी है आपको, तो एमएसएमई के उद्योग के विकास के लिए ये कारगर हो सकता है, क्योंकि एमएसएमई के विकास के लिए इसमें कई सारे प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही साथ चूँकि बिहार में प्रवासी मजदूरों की काफ़ी बड़ी संख्या है और इस स्कीम में प्रवासी मजदूरों को कौशल विकास के लिए विशेष ध्यान दिया गया है, इस क्षेत्र में भी देखें तो बिहार को लाभ हो सकता है। इसके अलावा भी शहरों में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए इसमें कुछ योजनाएं शुरू की गई हैं। साथ ही साथ बिहार जो कि कृषि पर आधारित है और किसानों के लिए इस पैकेज में ढेर सारी योजनाएं, ढेर सारी बिंदु दिए गए हैं, वो भी बिहार के क्षेत्र में मददगार हो सकता है। तो यानी कि आपको बेसिकली करना क्या है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के जो फीचर्स हैं उसे बताने हैं और उन फीचर्स को बिहार के विशेष संदर्भ में एनालिसिस करनी है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय केवल एक भू राजनीतिक कदम नहीं है बल्कि एक रणनीतिक पैतरीबाजी भी है जो कि महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव डाल सकती है। तो पहले तो आपको भारत सरकार के हाल ही में लिए गए निर्णय के बारे में बताना है, जिसमें चाइना के प्रमुख ऐप का आप जिक्र करेंगे कि जिनको बैन किया गया है, जैसे टिकटॉक को बैन किया गया है, फिर कैम स्कैनर को बैन किया गया है। इन प्रमुख ऐप का नाम का उल्लेख करते हुए आप बताएंगे कि इन ऐप्स को बंद करने से किस तरीके से भारत के सामरिक जो सुरक्षा के समक्ष चुनौतियाँ उत्पन्न थी वो चुनौतियाँ कुछ हद तक कम होंगी। जैसे डेटा सुरक्षा का जहाँ तक प्रश्न था, तो ये ऐप पे आरोप थे कि ये ऐप भारत से डेटा की चोरी कर रहे थे, इस पर रोक लगेगी। डॉक्टर जस्टिस कृष्णा स्वामी की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार जो डेटा का देसीकरण करना था उस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ भारत में जो ऐप यानी आईटी सेक्टर को एक बड़ी बूम मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इससे भारतीय स्टार्टअप कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ भारत सरकार स्टार्टअप कंपनियों को कई प्रोत्साहन की भी घोषणा की है, जिससे जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है चाइनीज ऐप को बैन करने से उस वैक्यूम को भरा जा सके। इसके बाद आप कुछ कंपनियों का नाम भी बताएंगे जो चाइनीज ऐप के बंद करने के बाद जिसके डाउनलोड्स में अचानक बहुत तेज़ी से वृद्धि देखी गई है। और निष्कर्ष में आप बताएंगे कि भले ही ये राजनीतिक फैसला दिखता हो लेकिन इसके आर्थिक परिणाम भी दूरगामी हो सकते हैं। औद्योगिक क्रांति 4.0 से आप क्या समझते हैं, बिहार इसका समुचित लाभ किस प्रकार प्राप्त कर सकता है? तो पहले तो आप औद्योगिक क्रांति 4 के बारे में विस्तार से बताएंगे, साथ ही साथ औद्योगिक क्रांति 1, 2 और 3 से किस प्रकार भिन्न है इसकी तुलना भी करेंगे। बिहार जैसे राज्य में जहां तकनीक का विकास उस स्तर पर नहीं हुआ है उसके लिए भी बताएंगे कि आखिर औद्योगिक क्रांति 4 के लाभ लेने के लिए किन किन क्षेत्रों में बिहार में विकास करने की आवश्यकता है। खासकर ऊर्जा के क्षेत्र में आपूर्ति को बढ़ाना होगा और संरचनात्मक रूप से सड़कों का निर्माण पर विशेष बल देना होगा। इसके साथ ही साथ डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना होगा, इंटरनेट की कनेक्टिविटी गांव-गांव तक पहुंचानी होगी। तो ये सब वो बिंदु हैं जिनको अपनाकर औद्योगिक क्रांति का लाभ बिहार में भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ जो श्रमिक हैं
उनका कौशल विकास करना होगा। पॉलिटेक्निक जैसे जो हमारे व्यवसायिक कोर्स हैं उसको बढ़ावा देना होगा। अगला बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चन है, बिहार के बुनियादी ढांचे के विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसे आप आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या वृद्धि और खाद्य सुरक्षा के बीच संबंधों के पैटर्न की जांच बिहार के विशेष संदर्भ में कीजिए। ये प्रश्न और एक और प्रश्न दोनों में पढ़ लेता हूँ, इसके बाद आपको विस्तार से दोनों के बारे में बताता हूँ। गरीबी और भूखमरी आपस में अंतर संबंधित होते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में भारत की स्थिति को देखते हुए इस कथन की समीक्षा कीजिए। अगर आपको याद होगा 64वीं BPSC में एक रैंकिंग से जोड़कर प्रश्न पूछा गया था, तो आप बताएंगे। पहले तो आप गरीबी को विश्व बैंक के अनुसार और जो नीति आयोग है उसके अनुसार आप परिभाषित करेंगे। इसके बाद भुखमरी को जो UNDP के परिभाषा है उसे भी परिभाषित करेंगे, और गरीबी और भुखमरी किस तरीके से अंतर संबंधित है इससे आप उदाहरण देकर दिखलाएंगे कि जो गरीब देश हैं वहाँ पे भुखमरी की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में, चुनौती के रूप में उभर कर सामने आई है। इसके बाद अब वैश्विक भुखमरी सूचकांक के जो पैरामीटर्स हैं, यानी कौन सी संस्था इसको जारी करती है, कौन कौन से डायमेंशन पे इसको तोला जाता है, जैसे माल न्यूट्रिशन, इसके बाद वेस्टिंग, स्टंटिंग, इन चीज़ों को आप पैमाना बनाएंगे। भारत की क्या स्थिति है, तो 94th रैंक आई है इसमें, कौन सी संस्था जारी करती है, इसमें कौन कौन से श्रेणी होते हैं जैसे लो, मीडियम, सेवरे, एक्सट्रीमली सेवरे और क्रिटिकल कंडीशन। सबसे क्रिटिकल स्थिति कौन सी देशों की है, तो सबसे क्रिटिकल स्थिति है कांगो, रवांडा जैसे अफ्रीकी देशों की। चिंता की बात यह है कि भारत को जो 94th रैंकिंग मिला है वो सूडान के साथ रखा गया है और गंभीर स्थिति में भारत को रखा गया है। भारत के जितने भी पड़ोसी राष्ट्र हैं उनकी स्थिति भुखमरी सूचकांक में भारत से अच्छी है। इसके बाद भुखमरी को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की भी आप इसमें चर्चा करेंगे। अगर आप चाहें तो बिहार सरकार के द्वारा भुखमरी और गरीबी को दूर करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं की भी चर्चा कर सकते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा विश्व बैंक के साथ MSME आपातकालीन उपाय कार्यक्रम संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस कार्यक्रम प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालें, बताएं कि यह MSME क्षेत्र के कायाकल्प में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पहले तो आप माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेज को परिभाषित करेंगे कि इस तरह के उद्योगों को इसमें रखा जाता है, उसकी जो वर्तमान में कंडीशन रखी गई है उस कंडीशन को बताएंगे। इसके बाद जो समझौता किया गया है उसके कुछ बिंदुओं का आप उल्लेख करेंगे। साथ ही साथ में जो आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम है उसमें MSME क्षेत्र के विकास के लिए कौन कौन सी प्रावधान रखे गए हैं उसे आप बताएंगे। साथ ही साथ अगर आपको बिहार सरकार द्वारा MSME को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही कार्यक्रमों की जानकारी हो उसका भी आप उल्लेख इस उत्तर में कर सकते हैं। MSME की वेबसाइट पर जाकर आप योजना, भारत सरकार की योजनाओं का भी उल्लेख इसमें कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत के अलावा जो पहले से जिसे हमारी योजनाएं जो चली आ रही हैं, जैसे मुद्रा योजना के अंतर्गत किस तरीके से लोन दिया जाता है तरुण, किशोर, तो इन चीज़ों का भी आप इसमें उल्लेख कर सकते हैं। किसानों की आय दुगुनी करने हेतु लाए गए किसान बिल 2020 के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करते हुए इससे जुड़ी चिंताओं का भी जिक्र करें। ये तो चूंकि करंट का भी सवाल है तो करंट वाले सेक्शन में भी पूछ सकता है, चूंकि कृषि और किसान से जुड़ा है तो अर्थव्यवस्था वाले खंड में भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। किसान बिल 2020 कहने का अर्थ है कि इसमें जो तीन बिलों में परिवर्तन किया गया है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ट्रेड प्रमोशन एक्ट, उन तीनों ही बिल का आप जो परिवर्तन किए गए हैं उन परिवर्तनों का उल्लेख करते हुए अगर आप उन परिवर्तनों को देखना चाहते हैं तो दृष्टि IAS पर इससे संबंधित एक अच्छी
एडिटोरियल एनालिसिस है, उसमें देखकर आप बिंदु इकट्ठा पॉइंट वाइज कर सकते हैं। तो ये रहा भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों का जिसका हमने आज अध्ययन किया। साथ ही साथ हमने जो पिछला वीडियो डाला है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है, आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं जिसमें हमने विस्तार से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संबंधित प्रश्नों को साझा किया है। जो करंट वाले प्रश्न हैं जिस पर महत्वपूर्ण हैं और जो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न हैं उससे हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि कब तक प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि परीक्षा 4 बार स्थगित हो चुकी है। सेफ जोन है आपके लिए कि आप मान के चले कि प्रश्न अद्यतन रहेगा, इस स्थिति में आप घाटे की स्थिति में नहीं होंगे। अगर प्रश्न पुराने भी पूछे जा रहे हैं उसे भी आप करने की स्थिति में रहेंगे। अगर आपको हमारे यह प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और गुड लक फॉर एग्जाम।